दोस्तों, अब्बू आवास योजना के अंतर्गत वैसे लाभुक जो कि अयोग्य हैं और अब्बू आवास योजना का सूची में नाम दर्ज करा दिया गया है, उन सभी का जांच करके सूची से नाम हटाने का आदेश आ गया है। और दूसरी बात, जो कि योग्य लाभुक रहते हुए भी अब्बू आवास योजना का सूची में नाम दर्ज नहीं हो पाया है, किसी कारण से या तो नाम कट गया है या तो आवेदन ही नहीं कर पाए थे, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी गुड न्यूज आ चुका है। दोबारा से आवेदन करने का मौका आप सभी को मिलने वाली है। तो विशेष इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका भाई किशोर। वेलकम टू किशोर डिजिटल। पर दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि सरकारी स्कीम से रिलेटेड लगातार सही इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहां पर एक पेपर कटिंग आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ग्राम सभा में चिन्हित कर अयोग्य लाभुकों का नाम अब्बू आवास की सूची से हटाए वीडियो का निर्देश है। और यहां पे एक बैठक होते हुए एक फोटो को भी दिखाया गया है। नीचे यहां पे देख सकते हैं कि वीडियो के माध्यम से एक बैठक कराया जा रहा है, जिसमें पंचायत सचिव यहाँ पे उपस्थित है। मसालिया का ये न्यूज है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो की अध्यक्षता में पंचायत सचिवों की बैठक हुई। पंचायत सचिवों को निर्देश दिया गया कि ग्राम सभा करते हुए अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर सूची से नाम को हटाएं एवं योग्य लाभुकों की सूची कोटिवार लक्ष्य के अनुरूप रजिस्ट्रेशन व जियोटेक प्राथमिकता के आधार पर करें। जैसा कि आपको पता है कि अब्बू आवास योजना के अंतर्गत 4.5 लाख आवंटन जारी कर दिया गया है, उसके आधार पे ही यहां पे निर्देश दिया गया है कि योग्य लाभुकों का चयन करना है और रजिस्ट्रेशन कराना है, जियोटेक कराना है, ताकि पहली किस्त की राशि लाभुकों को दिया जा सके एंड अयोग्य लाभुकों का नाम सूची से हटाने का निर्देश दिया हुआ है। उसके बाद यहां पे आगे का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का भी काम पूरा करने का निर्देश दिया है, पीएम आवास योजना का भी काम करने का निर्देश दिए हुए हैं। तो ये तो रहा वैसे लाभुकों के लिए अपडेट, जिनका की नाम अयोग्य रहते हुए भी योग्य लाभुकों के रूप में अब वो आवास योजना का प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज है, उन सभी का नाम को हटाने का यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। तो पंचायत सचिव के द्वारा अब ये कार्यवाही किया जाएगा और योग्य लाभुकों का नाम को चयन करके अब वो आवास योजना के अंतर्गत 4.5 लाख जो टारगेट जारी किया है उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराएंगे और योग्य लाभुकों का जियोटैग कराते हुए पहली किस्त की राशि भुगतान कराने का प्रोसेस कराएंगे। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है अब वो आवास योजना के वैसे लाभुकों के लिए, जो कि योग्य लाभुक हैं, उन सभी का रजिस्ट्रेशन होगा और पहली किस्त की राशि उनको मिलेंगे। दूसरा यहाँ पे गुड न्यूज वैसे लाभुकों के लिए है, जो कि योग्य लाभुक रहते हुए भी अब वो आवास योजना का पहली प्रतीक्षा सूची में नाम दर्ज नहीं है या फिर आवेदन ही समय पर नहीं कराए थे। वैसे लाभुकों के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, बैठक में ही कहा, राज्य सरकार की ओर से 30 अगस्त से 15 सितम्बर तक आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होना है, इसका लाभ उठाते हुए लोगों को जागरूक करें। मौके पर सुनीता सोरेन और बाकी यहाँ पे बहुत सारे सदस्य मौजूद थे उस बैठक में। तो जैसा कि आपको बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पिछले साल जो 2023 में हुआ था, उसमें अब वो आवास योजना और बाकी बहुत सारी योजनाओं का आवेदन लिया गया था, और इस बार भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम 30 अगस्त 2024 से होने वाली है, इसमें वैसे लाभुक आवेदन ऑफलाइन अप्लाई कर पाएंगे कैंप में जाकर, जो कि अब वो आवास योजना का लाभ लेने के हकदार हैं, फिर भी प्रतीक्षा सूची में नाम नहीं है या फिर समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे। वैसे लाभुकों के लिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट है, लेकिन ये इस योजना के अंतर्गत वैसे ही लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिनके पास कोई भी पक्का मकान नहीं है, जिनके पास कोई भी 4 व्हीलर यानी 4 चक्का वाहन नहीं है, मछली पकड़ने वाला नाव नहीं है एंड 1990 के बाद किसी भी पक्का मकान योजना का लाभ सरकारी योजना के अंतर्गत आपको नहीं मिली है, सरकारी जॉब आपके परिवार में किसी का नहीं है, सरकार को टैक्स पेमेंट नहीं करते हैं, 7 एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं है, 5 एकड़ सिंचित भूमि प्लस में एक कोई सिंचाई उपकरण नहीं है, यानी कुल मिला के अब वो आवास योजना के क्राइटेरिया के अंतर्गत यदि आप आते हैं तो इस योजना के अंतर्गत आप आवेदन करा पाएंगे एंड इस योजना के अंतर्गत आपको दोबारा से लाभ मिलने का मौका दिया जाएगा। यदि आप आवेदन करेंगे तो इस योजना के अंतर्गत सूची में नाम आपका दर्ज करके अब वो आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको जो मैंने गुड न्यूज दिया वो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए एंड इस योजना से संबंधित या कोई भी सरकारी योजना से संबंधित जो भी समस्या आ रही है उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि आपके प्रॉब्लम के ऊपर मैं अगला वीडियो बना सकूं या फिर आपको कमेंट में रिप्लाई कर सकूं। एंड सरकारी योजना से रिलेटेड लगातार सही अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।